अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल में हम खुश आमदीद कहते हैं और आपका हम खैर मकदम करते हैं। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक नई इस्लामी और मालूमाती वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, कल जुमा का दिन है, बहुत ही प्यारा और फजीलत वाला दिन है। हम बताने जा रहे हैं आपको जुमा के दिन सूरह कहफ को तिलावत करने का फ़ायदा और उसकी फजीलत। जी हाँ, आजकल अक्सर देखा जाता है कि अक्सर मुसलमान जुमा के दिन सूरह कहफ को खूब पढ़ते हैं, या जो नहीं पढ़ते हैं वो जान लें कि सूरह कहफ को जुमा के दिन जो इंसान पढ़ता है तो उसे क्या फ़ायदा हासिल होता है। पहले आप ये जान लीजिए कि सूरह कहफ के बारे में आप जानकारी हासिल कर लीजिए। सूरह कहफ जो है बहुत ही फजीलत वाली सूरत है, और जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो उसके साथ 70 फरिश्ते नाजिल हुए थे, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, बहुत ही खास जानकारी और सूरह कहफ की बहुत ही खास फजीलत हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। बराए मेहरबानी आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए ताकि मुकम्मल जानकारी आप तक पहुँच जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर दिल से लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मुसलमान भाइयों और बहनों तक शेयर कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अब सुनिए मुकम्मल जानकारी। हदीस शरीफ में आया कि जुमा के रोज जो शख्स सूरह कहफ पढ़ेगा उसका दिल दूसरे जुमा तक इंशाअल्लाह ताला नूर से मनवर रहेगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पहली फजीलत है कि जो इंसान एक जुमा को सूरह कहफ की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमा तक उसके दिल को अल्लाह ताला नूर से मनवर कर देगा, वो पूरा अल्लाह तबारक व ताला उसको नूर से मनवर कर देगा। ये हदीस शरीफ में आया है। और दूसरा फायदा ये हुआ कि जो इंसान सूरह कहफ की तिलावत करेगा जुमा के दिन तो वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा, सुभान अल्लाह। दज्जाल के फितने के बारे में आप सर्च कर सकते हैं कितना बड़ा फितना होगा। अगर कोई इंसान जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है तो वो दज्जाल जैसे बड़े फितने से महफूज रहेगा। और तीसरा फायदा सुनिए कि शब जुमा को, जैसे आज जुमेरात है कल जुमा है, तो ये जो रात है ये जुम्मे की रात है, ये जुमा की रात है, तो इसी को शबे जुमा कहते हैं। शबे जुमा को भी इसके पढ़ने की बड़ी फजीलत आई है। इसके अलावा जो शख्स रोजाना इस सूरत की इब्तिदा यानी शुरू, इब्तिदा कहते हैं शुरू, और आखिरी 10 आयत की तिलावत करेगा उसके सर से लेकर पैर तक नूर हो जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक सबसे बड़ी फजीलत हदीस शरीफ में ये आया है कि जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो उसके साथ 70,000 फरिश्ते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, ये खास जानकारी आपने समाअत किया कि सूरह कहफ को कोई इंसान जुमा के दिन तिलावत करता है तो उसे फायदा क्या क्या हासिल होता है। एक एक करके कई फायदा हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, और इसका हवाला है ज़खीरे आखरत सफा नंबर 393। तो प्यारे दोस्तों, आपसे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सूरह कहफ की तिलावत करें, और ख़ास कर जब भी जुमा का दिन आए तो ज़रूर जुमा के दिन में सूरह कहफ की तिलावत करें ताकि अल्लाह ताला अपने रहमतों अनवार की बारिशें आप पे फरमाए, और फिर आपके हर मसले को अल्लाह ताला हल फरमा दे, और जो भी परेशानी हो अल्लाह ताला उस परेशानी को भी दूर फरमा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और सारे मुसलमान भाइयों और बहनों को ज्यादा से ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। हम मिलते हैं अगली एक नई खास वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, खुदा हाफिज़।